मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ने आपकी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। इसकी पूरी जानकारी आपको, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने की डेट, लास्ट डेट, इसकी फॉर्म फीस, कैटेगरी, जो एज रिलैक्सेशन है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो सबसे पहले मिलती रहती हैं। इससे पहले थोड़े दिन भी पहले मैंने आपको एक रेलवे की वैकेंसी के बारे में बताया भी था, आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन को और फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा जो नोटिफिकेशन जो मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने आपकी प्रयागराज में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। तो जिसकी ओपनिंग डेट है, इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे 2 नवंबर 12 बजे से रात के 12 बजे से लेके आप 1 दिसंबर के रात के 12 बजे तक आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। कब से? 2 नवंबर 12 बजे से लेके 1 दिसंबर रात के 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 29 दिन का समय लगभग आप लोगों को इसके लिए जो है वो दिया जाएगा। देखिए कुछ ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की नीचे की जानकारी है। अब आता है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन। देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया आपकी जो एज लिमिट है वो जो आपकी एज है वो 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा की आपकी जो एज है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, 24 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, ठीक है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और बाकी एक्स सर्विसमैन TPWD इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। और देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने बताया आपको जो एज डिफरेंस है, जो आपका डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हिसाब से आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने उसके बारे में भी बताया हुआ है। अब बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप 10वीं क्लास पास होनी चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th क्लास के बेस पे, ठीक है। अब ITI का सर्टिफिकेट चाहे वो NCVT ट्रेड से हो, NCVT ITI से हो या फिर SCVT ITI से हो, ये मायने नहीं रखता बस, लेकिन आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन ITI का सर्टिफिकेट भी बस कुछ ही ट्रेडों में होना चाहिए आपके पास, जिनका नाम है आपका फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मकैनिक, वायरमैन, प्लम्बर और आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, MMTM, क्रेन, ड्राफ्टमैन, सिविल आपकी, ठीक है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और स्टेनोग्राफर हिंदी। यहाँ पे कोपा जैसी ट्रेडों की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने नहीं निकाली है। अगर इन 20 ट्रेडों में आपने ITI कर रखी है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने अप्लाई की डेट बता दी है, अब आपको और जो नीचे जानकारी है वो आपको बताता हूँ। और देखिए जो अगर मान लीजिए अगर आपका ITI का जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग में चल रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप ITI में फेल हो रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने उस ट्रेड से क्यों ना करी हो, अगर आप फेल हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास ITI के पासिंग मार्क्स के साथ जो है मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेड वाइज स्लॉट्स अब यहाँ पे इन्होंने हमें बता रखे हैं, ठीक है, यानी कि किस ट्रेड में लगभग कितने कितने स्लॉट्स इन्होंने लगभग निकाले हैं, EWS का इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। और देखिए अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, देखिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो आपका एनेक्स्चर एच में दे रखा है उसी सर्टिफिकेट को आपको निकलवा के प्रिंट करवाना है, मतलब प्रिंट निकलवा लेना है उसका, और उस पर आपको एक गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर के साइन करवाने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर के जो है आपको उस पर साइन करवाने होंगे उस सर्टिफिकेट पे। अब इन्होंने ट्रेड वाइज यहाँ पे बता रखा है मैक्सिमम डिसेबिलिटी, ठीक है, आप यहाँ पे इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है, लोकोमोटर आपने इन लोगों ने समझा रखा है, विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है, सारी जो ट्रेडों का फिटर का वेल्डर का इन्होंने लगभग सभी ट्रेडों का जो है ऐसे समझाया हुआ है नीचे अगर हम आएंगे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन अब आप देख लीजिए क्या है यहाँ पे आपका, इन्होंने बात की है तो सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट इम्पेटरिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट विच
would be prepared taking the average of the percentage of marks obtained by candidate in both matriculation with the minimum 50 aggregate marks and IT examination. मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, देखिए जो आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की है मेरिट पे सिलेक्ट होगा, कैंडिडेट्स जो हैं जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो होगा आपका मेरिट बेस पे. अब मेरिट बनेगी कैसे, आपके आप 10th क्लास के जो आपके मार्क्स हैं 50% वो और जो आपके ITI के मार्क्स हैं 50% वो, उनको मिला के जो है आपकी वो मेरिट बनेगी. तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं आपको बता दी. और 100 रुपये जो है वो इसकी फॉर्म फीस है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. ट्रेनिंग पीरियड जो इन्होंने बता रखा है, द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी इस अप्रेंटिसशिप की, ठीक है. इसके लिए उनको स्टिपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है. जो यहाँ पर इन्होंने रेट उसका मेंशन नहीं कर रखा है, जो भी आपके गवर्नमेंट्स के रूल हैं इन्होंने ये बता रखा है, उसका जो करंट रूल है उसको देखते हुए जो आपको स्टीपेंड है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा. मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है. आपको RRC की वेबसाइट पर आके, इसका लिंक मैं आपको नीचे ऐसा करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ठीक है. आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ITI और अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो सब अपलोड करने होंगे. यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, देखिए सर्टिफिकेट्स इन PDF फॉर्मेट, आपके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बता रखा है. तो यही सारी जानकारी थी जो जो इंपॉर्टेंट थी, लगभग मैंने यहाँ पे सारी कवर कर ली आपकी. तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी. पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा. कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो.